हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू की फ्रेम्स एनिमेशन चैनल। और आज हम देखेंगे डे 6 ऑफ दिस ट्यूटोरियल, जो हमने एक्सटीरियर की चालू की थी। और इसमें मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि वो उस सारा जो कवर हो जाए, जो भी सारे जो स्ट्रक्चर्स उसके बचे हैं, और मे बी उसके शायद और दो या तीन और स्ट्रक्चर वाइज इसके दो या तीन और पार्ट्स बन सकते हैं। बट येस, मैं कोशिश करूंगा कि एवरी डे 6:30, 6:15 में मेरा डेली लेक्चर पोस्ट हो जाए, राइट? सो आज से मैं कोशिश करूंगा कि एवरी इवनिंग लाइक 6:15 से 6:30 में एवरी डे एक नई ट्यूटोरियल, मे बी 3D Max, मे बी फोटोशॉप, मे बी कोरल ड्रॉ, मैं पोस्ट करूंगा। आप मुझे बता सकते हो कि कौन से ट्यूटोरियल मुझे बनाना है, तो मैं उस टाइप के में अलग ट्यूटोरियल बनाऊं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का डे 6 3D Max का। चलो, इसमें मैं अभी कैमरा ऐड करूंगा। बेसिकली कैमरा क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि एक फिक्स, अगर हमारा एक व्यू फिक्स हो गया तो उसके ऊपर काम करना और आसान हो जाता है। यानी हम चारों साइड से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती स्ट्रक्चर पे। सो मैं एक व्यू फाइनल कर लिया कैमरा प्लेस करके, और उसका शॉर्टकट है Ctrl+C। अगर Ctrl+C करते हो डायरेक्टली फिजिकल कैमरा आ जाएगा। तो जस्ट एक फ्रेम बिठा लेता हूँ, सेफ फ्रेम, ताकि मुझे पता चले। सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से SD वीडियो का सेटिंग ले लेता हूँ। ये तो सेफ फ्रेम पता पड़ेगा कि बंगलो कहाँ से व्यू हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, ताकि मैं सी प्रेस करूँ तो डायरेक्टली वो उसी पोजीशन में वापस चले जाएगा। सो यहाँ पे मैं छज्जा काइंड ऑफ बना लेता हूँ। 2.5 स्नैप लिया एक रेक्टेंगल। गो टू मॉडिफाई स्प्लाइन, आउटलाइन सेलेक्ट करता हूँ और लेता हूँ ये उसका -75 जा रहा है इतना, राइट? सो मैं यहाँ वैल्यू डालता हूँ -80, ताकि वो थोड़ा सा ब्रॉड आए। और अभी पूरा स्ट्रक्चर को इधर लेके आएंगे, ये जो स्ट्रक्चर है उसको ही लेके आएंगे, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्ट को हमको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरा अपना स्ट्रक्चर है उसी को यहाँ लाता हूँ, ताकि पहले अनफ्रीज कर लेता हूँ ये जो सारा चीज़ हमने फ्रीज किया है। वो अभी सिलेक्ट हो गया, राइट हो गया। सो इसको सिलेक्ट किया और ये यहाँ इसी पोजीशन में ला के रखता हूँ, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बर्थ प्लेस है उसका। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी ओरिजिन काइंड ऑफ थिंग में वो आ जाएगा। तो वी कैन नॉट यू नो ऑलवेज उधर जाओ और एक्सट्रूड करो, तो वो बहुत लंबा चलेगा। बट एक चीज़ इसमें रहने वाली है, जो में हमने कैमरा जो डाला है अभी, वो पूरा वापस बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये होने दो। वो उसको डिलीट करके वापस एक कैमरा प्लेस करेंगे। वैसे कैमरा प्लेस करने के लिए Ctrl+C ही होना है। तो इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। ये एक्सट्रूड की वैल्यू मैं थोड़ा सा एक देख कर ही आपको एक्सट्रूड करना है। सो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि बाद में इसमें प्रोजेक्शन जब भी मैं ऐड करूँगा बाद में, तो इसका जो विड्थ है वो और बढ़ेगा, राइट? इसको मैं कॉपी यहाँ कर लेता हूँ। वैसे इंस्टेंस भी चल जाएगा, क्योंकि सेम है उसके साइज। और अगर जब भी आप कॉपी के बजाय अगर आप इंस्टेंस यूज़ करते हो, तो आपका 3D Max उसको एक ही कैलकुलेट करता है, भले वो 100 ऑब्जेक्ट्स भी रहने दो। सो वेर एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज़ इंस्टेंस रादर देन कॉपी। तो अभी ये तो विंडो अलग है, ऑफकोर्स आई हैव टू यूज़ कॉपी। मुझे उसको रिसाइज कर लेता हूँ।
पर वर्टेक्स एडजस्ट करने के बाद मैं उसको एक्सट्रूड ऑन करूँगा। एक्सट्रूड ऑन रख के भी आप अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं जनरली कभी कभी नहीं करता क्योंकि वो स्प्लाइंस को अगर समझो कुछ एडिट करना है तो मैं विदाउट एक्सट्रूड ही करता हूँ। सो ये वापस एक्सट्रूड ऑन हो गया। ठीक है, तो अभी इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे कॉपी मॉडिफाई सेम, आपको ये एडजस्ट करना है, थोड़ा सा टायरिंग जाएगा प्रोसेस बट करना पड़ेगा ये। नया नया बनाने से अच्छा है कॉपी करने को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कॉपी करेंगे एडजस्ट करेंगे, एक ही सेम स्प्लाइन कॉपी करना और ऑफ कोर्स कोई बुरी बात नहीं है, उससे और काम ऑफ कोर्स फास्ट होगा। सो ये तो ठीक है, अभी ये इसको भी कॉपी करता हूँ, ऊपर वाले को लेता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा विंडो है, कम एडजस्ट करना पड़ेगा बट करना तो पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा अंदर, अगर आप पूरा सेलेक्ट करके स्प्लाइन को अगर कॉर्नर्स करते हो ना तो ये बेजियर निकल जाएगा, बेजियर इन द सेंस वो ग्रीन पॉइंट्स तो दिख रहे हैं ना सिलेक्ट करने के बाद वो निकल जाएंगे। सो अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी निकल सकते हो, उससे प्रिसाइज कॉर्नर आएगा। चलो ये भी ठीक है, अभी हम इसको लेके जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन, एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, अभी अपना व्यू तो फाइनल हुआ है, मतलब उसके पीछे की विंडोज़ की इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ सो ताकि ये पूरा स्केल जल्दी हो जाए। ठीक है, ये बैठ गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर का ये छज्जा भी बना लेंगे लाइन से। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका डिज़ाइन बहुत ही बोरिंग है बट ठीक है, अभी वो डिज़ाइन में है तो है। इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ और एक्सट्रूड करके हम उसको ले लेंगे लेफ्ट साइड में और फिर उसको अमाउंट बढ़ाएंगे उसका। नहीं नहीं थोड़ा सा कम, यस येलो तक ही करना है वहाँ तक। ठीक है, अभी ये पीछे के विंडोज़ कॉपी कर लेता हूँ। पता नहीं अगर समझो कोई क्लाइंट ने तुरंत अपने व्यू चेंज करवाया कि मुझे उस साइड का भी एक व्यू चाहिए तो उस टाइम अपना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको बहुत तुरंत से कुछ बनाने, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो डिज़ाइन में दिया हुआ है वो एटलीस्ट कर दो, उसके बाद में का जो अपना चेंजेस है मतलब उसमें जो कॉस्मेटिक चेंजेस होने वाले हैं दैट इज़ फॉरगेट इट, वो हमने एक्स्ट्रा डाले हैं बट जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो होना चाहिए वो तो डाल दो। सो ये बैठ गया यहाँ, अभी ये राइट है लेफ्ट है ये बैक है, यस ये बैक है, ठीक है बैक। अभी ये दो विंडोज़ हैं
यहाँ से एक जैसे काइंड ऑफ बैकडोर एंट्री है ये, और ये फिर यहाँ है उसका विंडो, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, वापस उसको आउटलाइन करता हूँ। अगर आप कर रहे हो तो ये भी विंडो कॉपी करो और फिर एडिट कर लो। पता नहीं मैं अभी बना रहा हूँ, बट दूसरा बनाने का कोई सेंस मुझे नहीं लग रहा है, पर ठीक है अभी मैंने बना दिया तो ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं लिख के जाता हूँ उस साइड और प्लेस करता हूँ अपोजिट पे। ये वो डोर है और वो देखो वहाँ एंट्रेंस भी है, वहाँ अगर आप देखोगे तो वो स्टेयर्स भी है। हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहाँ से व्यू नहीं है, बट अगेन इट कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर, बट स्टिल वो नहीं बनाया मैं, वो बाद में बना लूँगा। इसका थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं और लॉक निकालता हूँ। स्पेस बार प्रेस करने के बाद आपका लॉक हो जाएगा कॉर्नर्स, ताकि प्रिसाइज कॉर्नर मिले। स्मॉल गैप्स है वो निकाल लेता हूँ। उसका कॉपी कर लिया, राइट। तो ये कैमरा है जो हम अभी अनलाइन करेंगे, और वो रहा कैमरा क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को मूव किया था। और ऐसे बहुत बार होता है जब भी हम काम करते हैं, एक चीज़ हमको वहाँ उस टाइम पे हमको करेक्ट करना पड़ता है, तो पहले वाला काम थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कैमरा डाला था, बट यस वही व्यू हम वापस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल सी से मेरा वापस कैमरा नया वाला आ जाएगा। सो पहले मैं व्यू सेट कर लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है उसका। क्या वो कैमरा हिट कर लिया, चलो ये है कैमरा अपना जो हमने इस नए इसमें सेट कर दिया है। अभी ये जो अभी ये स्टेज में जो ट्यूटोरियल है, अभी आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर है इसका, वो 3D Max में हमने बना चुका है। जो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट से आई है उतना तो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बट उसके अलावा अगर हम उसमें कुछ ब्यूटिफिकेशंस करना है, मतलब कहाँ प्रोजेक्शन ऐड कर सकते हैं, कहाँ उसमें परगोला ऐड कर सकते हैं, सो उस चीज़ में एक अपने को एक अच्छा कैलिबर मिलता है, एक अच्छा क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, सो उसका एलिवेशन अच्छा हो सकता है। सो इसके बाद का जो भी हम करेक्शंस करेंगे, ये हमको इन्फॉर्मेशन सामने से क्लाइंट से आई नहीं है, वो हमारी तरफ से हम उसको ऐड करेंगे। सो वो कैसे ऐड करेंगे, लेट्स सी। सो अभी हम पहला यहाँ से मैं एक काइंड ऑफ उसको टॉप बना लेता हूँ, और उसको हम वुडन काइंड ऑफ टेक्सचर कर देंगे। जो सीमेंट वर्क में भी आजकल वुडन आता है, सो वो एक्सटीरियर में बहुत यूज़ होता है, तो उस वो काइंड ऑफ उसका फील देना है मुझे। सो मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा आगे से, साइड से, मतलब तीन साइड से। मैं उसके वर्टेक्स पकड़ के थोड़े से मूव कर लेता हूँ ताकि वो इवनली मूव हो जाए, और वापस यहाँ के जो वर्टेक्स है सिलेक्ट कर लो, मल्टीपल वर्टेक्स, और मूव कर लो।
ताकि ये जो एरिया है, वॉकवे का भी एरिया है, जो एंट्रेंस है, वहाँ भी ऊपर से लाइट्स मिले, तो अलग से लीट अप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे अगर समझो चार चार लाइट्स अगर दे दिए तो भी वो इनफ है। यहाँ पे शॉर्टकट्स मैंने बना रखे हैं, तो ये निकाल देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, ऐसे राइट क्लिक कॉन्फ़िगर, और जो चाहिए वही रखेंगे। एडिट पॉली लगता है, बट बहुत बार मैं राइट क्लिक करके तुरंत एडिट पॉली यूज़ करता हूँ, बट यस, अगर कोई इसमें एक्सट्रूड के बाद अगर एडिट पॉली चाहिए तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। सो ठीक है, यहाँ से मैंने एक्सट्रूड लिया और थोड़ा सा वैल्यू डालकर उसको एक्सट्रूड कर देते हैं, वो थोड़ा सॉलिड ब्लॉक जैसा लगना चाहिए। सो अगर कैमरा में जाने के बाद अगर कई बार व्यू अगर नहीं मिले तो थोड़ा सा टाइमलाइन स्लाइड करके ले लेना, तो वो रिफ्रेश हो जाता है, तो वो आ जाता है, तो जैसे कि अभी हुआ। सो ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लिया इसको, मिडल माउस प्रेस करके पैन होता है उससे थोड़ा एडजस्ट कर लिया। ये मैंने और एक कैमरा डाला क्योंकि नीचे के जो लाइट्स है वो थोड़े से नज़र नहीं आएंगे, तो मैंने कैमरा और एक ऐड किया है कंट्रोल सी प्रेस करके। अब मेरे पास दो कैमरे हैं, कैमरा टू और कैमरा थ्री। ठीक है, इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा स्प्लाइंस, उसके पॉइंट्स को थोड़ा सा और थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ ताकि इवनली लगे। ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है ताकि हम उसमें लाइट लगा सकें, जो एक्सटीरियर में जो स्पॉट जैसे होते हैं वो हम लगा सकें, ताकि उसमें इफ़ेक्ट भी अच्छा आए। ये हाइड कर लेता हूँ, अभी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो तो निकल गया, तो अभी हम इसको हाइड कर लेते हैं। तो इसके ऊपर एक रेलिंग भी आएगा। सो दैट्स इट फ्रेंड, अगर ये ट्यूटोरियल मेरा आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियोस, सो सब्सक्राइब बटन ले लो, दबा लो, और मैं जो मेरे वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मे बी 6:15 और 6:30, मे बी 6:15 को मैं ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं कल।